में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से भारत में संविधान लागू हुआ था। वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी और इसके करीब 3 साल बाद देश में संविधान लागू हुआ। देश भर में कई कार्यक्रम होते हैं। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 ईस्वी में उठाई गई थी। ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठवाई गई थी। अंतिम बार पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव 1946 में संपन्न हुआ था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, तब से एक गणतंत्र भारत का उदय। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूले, ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।